नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट मंत्रा प्लस में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ऐसे आशा करता हूं कि आने वाला नया साल आप सभी लोगों के लिए एक अच्छा साल गुजरे, ताकि आप लोग भी इंट्राडे में एक अच्छे ट्रेडर बन सके, आप काफी कुछ सीख सकें और स्टॉक मार्केट से आप काफी पैसा कमा सकें, आप लोग भी कुछ ट्रेडिंग कर सकें। तो दोस्तों, इसके साथ ही मैं आपको डेली स्टॉक की वीडियो लेकर आता हूँ आपके लिए, जहां मैं आपको दो स्टॉक देता हूं और अगले दिन हमें अच्छे प्रॉफिट की उम्मीद होती है, काफी कुछ सीखने को मिलता है। तो दोस्तों, मैंने आपको पिछले दिन दो दो स्टॉक बताए थे आज मंडे के लिए। चलिए चलिए पहले देखते हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही और आज उन्होंने कैसा मूव किया। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही। दोस्तों, जब बात करें अपने पहले स्टॉक की, जो हमारा पहला स्टॉक था वो था हेज का। देखिए, मैंने आपको हेज बताया हुआ था 3705 रुपए के ऊपर बाई करना है, स्टॉप लॉस हमारा 3690 रुपए का। तो देखिए दोस्तों, हमारी ये कॉल एक्टिवेट कहीं हो नहीं पाई, क्योंकि इसने ओपनिंग काफी गैप अप दी और इसने ओपनिंग दी 3733 रुपए पर, और इसमें जो हमारी सेल कॉल थी वो थी 3677 रुपए के नीचे। तो कहीं हमारी सेल कॉल एक्टिवेट हुई नहीं, तो हमारा ये कॉल डीएक्टिवेट रही, ना हमें इसमें प्रॉफिट हुआ ना इसमें लॉस हुआ। चलिए देखते हैं मैंने आपको जो दूसरा स्टॉक बताया था उसका परफॉर्मेंस कैसी रही। दोस्तों, यहाँ पर बात करें अपने दूसरे स्टॉक, तो जो हमारा दूसरा स्टॉक था वो था एसआरटी का। देखिए, श्रीराम ट्रांसपोर्ट को मैंने आपको बाई बताया हुआ था 1232 रुपए के ऊपर, स्टॉप लॉस हमारा 1222 रुपए का। तो देखिए दोस्तों, ये है 9:15 की पहली कैंडल, इसने ओपनिंग भी 1230 रुपए पर हमारी इसी कैंडल हमारी बाई कॉल एक्टिवेट हुई। हमारा इसमें जो टारगेट था वो था 1242 रुपए का, 1253 रुपए का, और अंतिम टारगेट था 1263 रुपए का। देखिए दोस्तों, इसने एक अच्छी मूवमेंट दी इस स्टॉक ने, इसने हाई लगाया 1258 रुपए का। ऑलमोस्ट में हमारे सारे टारगेट डन हुए, पर हमारे फर्स्ट और सेकंड टारगेट तो काफी इजिली डन हो गए, एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिली। तो दोस्तों, अगर आपको इस स्टॉक में प्रॉफिट हुआ हो या आपको स्टॉक पसंद आया हो, तो कृपया लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आपको वीडियो कैसी लगती है। चलिए दोस्तों, वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं मैं आपके लिए जो कल के लिए जो आपको 1 जनवरी को आपको जो दो कॉल्स मिलने वाले हैं कौन कौन से, उनकी परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने अपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाया तो आप हमारे थ्रू अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप स्टॉक में अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप मेरे थ्रू अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, कि मैं आपको अपने आप स्टॉक के ग्रुप में ऐड करूंगा, जहां पर आपको लाइव मार्केट में कुछ इंट्राडे की कॉल्स मिलेंगी, लाइफ टाइम मेरा सपोर्ट मिलेगा, आप मुझसे कोई भी जानकारी ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9565645822, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए जो कल के लिए दो स्टॉक लेकर आया हूँ वो कौन कौन से, उनकी परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है। दोस्तों, जहां पर मैं बात करूं अपने पहले स्टॉक की, जो हमारा जो पहला स्टॉक निकल कर आता है वो है जुगल फूड का। देखिए, जुगल फूड ने एक अच्छा ट्रायंगल पैटर्न बनाया हुआ है। देखिए, पिछले दो दिन की अगर हम बात करें तो देखिए इसका पहला हायर हुआ, ये हायर लो बना रहा है। देखिए, यहाँ पर सेकंड टाइम इसने ट्रेंड लाइन को टच किया और ये तीसरी बार, लेकिन देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ट्रायंगल जो है एक रेंज कम करता जा रहा है, और देखिए अगर अपनी इस रेंज को ये ब्रेक करके ऊपर या नीचे को निकलेगा तो एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो जुगल फूड पर आप नजर बनाकर रखें, और चलिए देखते हैं आप जुगल फूड के कौन से लेवल निकल कर आया है। दोस्तों, जुगल फूड अगर 1262 के ऊपर निकलेगा तो इसको हम बाई करेंगे, स्टॉप लॉस होगा हमारा 1251 का, फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 1272 का, सेकंड टारगेट 1282 और अंतिम टारगेट होगा 1292 का। दोस्तों, जुगल फूड अगर 1240 के नीचे निकलेगा तो इसको हम सेल करेंगे, स्टॉप लॉस होगा हमारा 1250 का, हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 1230 का, सेकंड टारगेट 1220 और अंतिम टारगेट होगा 1210 का। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं मैं आपके लिए जो दूसरा स्टॉक लेकर आया हूँ वो कौन सा है। दोस्तों, ट्यूजडे के लिए मैंने आपके जो दूसरा स्टॉक सेलेक्ट किया है वो है एनआईटेक का। देखिए, एनआईटेक ने भी जुगल फूड के सिमिलर पैटर्न ही बनाया हुआ है। देखिए, इसने भी अपने इस ये एक रेंज बाउंड बना रहा है, तो अगर अपने इस रेंज को ऊपर या नीचे को ब्रेक करेगा तो एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो एनआईटेक पर भी आप नजर बनाकर रख सकते हैं, आप इसको अपनी वॉचलिस्ट में ऐड कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं मैं आपके लिए जो एनआईटेक के लेवल लेकर आया हूँ कौन कौन से हैं। दोस्तों, एनआईटेक अगर 11156 के ऊपर निकलेगा तो उसको हम बाई करेंगे, स्टॉप लॉस हमारा 1146 का, हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 1166 का, सेकंड टारगेट 1176 और अंतिम टारगेट होगा 1186 का। दोस्तों, अगर एनआईटेक अपने लेवल को ब्रेक करके नीचे को निकलेगा, रेंज को ब्रेक करके, तो उसको हम सेल करेंगे 1142 को नीचे, स्टॉप लॉस हमारा 1152 का, फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 1132 का, सेकंड टारगेट 1122 और अंतिम टारगेट होगा 1112 का। तो दोस्तों, ये सारी वीडियो मैं आपके लिए एजुकेशन पर्पज से बनाता हूँ, तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा कर लें, आप वीडियो को देखें सीखें समझें, ताकि आप इंट्राडे में एक अच्छे ट्रेडर बन सके। आप चाहें तो पेपर ट्रेडिंग भी करके आप धीरे धीरे सीख सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।